हाय एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अ न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे प्रॉन चॉप्स। मैंने यहाँ पर 1 कप प्रॉन्स लिया है और उसको साफ़ करके सॉल्ट लगाया है, 4 बॉइल्ड स्मैश्ड पोटैटोस, 1 एग, बंच ऑफ कोथमीर और फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक ग्रीन चिली को फाइनली चॉप किया है, 2 ऑनियंस को चॉप किया है और एक टमाटो। यहाँ ड्राई मसाले में चाहिए हमें टर्मरिक, कश्मीरी पाउडर, गरम मसाला, क्यूमन और कोरिएंडर पाउडर। यहाँ मैश्ड पोटैटोस को मैंने सॉल्ट और ग्रीन चिली और कोथमीर को लेके मिक्स किया है। पैन में लेंगे ऑयल, इसमें डालेंगे क्यूमन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा कट ऑनियन और ऑनियन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्रॉन्स। प्रॉन्स को ऐसा मैंने बारीक काट के लिया है। अब इसमें अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे चॉप्ड टमाटो। इसके बाद इसमें जाएगा कैप्सिकम। कैप्सिकम ऑप्शनल है लेकिन इसका अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे। यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालें क्योंकि मैंने प्रॉन्स को ऑलरेडी सॉल्ट लगाया था पहले। अब लास्ट में डालें इसमें धनिया। एग में थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको बीट करेंगे। अब यहाँ पर मैश्ड पोटैटो का हम एक बॉल बनाएंगे और इसको इसमें फिलिंग डालेंगे प्रॉन्स का। ये फिलिंग डाल के इसमें अच्छी तरह से पोटैटो को कवर करेंगे।
इसको थोड़ा फ्लैट करके इसका एक पैटी बनाएंगे और इसको एग में डिप करेंगे। एग में डिप करने के बाद इसको रवा में हम लोग एक बार कोट करेंगे। ऐसे ही करके हम सब पैटी इसमें कवर करके रेडी करके रखेंगे पहले, और उसके बाद फ्राई करेंगे ऑयल में। यहाँ पर मैंने सब बना के रेडी रखा है पहले, और उसके बाद मैंने सबको फ्राई करके लिया है। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है और गोवंस में सब फेमस है। एन्जॉय द रेसिपी। If you like the recipe, like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.